चलिए बात करेंगे इनेलो की असंत पहुंचे इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया है। अभय ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है, साथ ही कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ की हड्डी उनकी ओर से बताया गया है। अभय ने बागी नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि जो पार्टी छोड़कर गए हैं उनका बुरा हाल होना है। ये भी कहा कि कुछ नेता और भी हैं जो कि पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, तो उनकी ओर से इशारा किया गया कि अभी जो सिलसिला है पार्टी छोड़कर जाने का, इसे आप थमा मत मानिए। अभी कुछ लोग और भी हैं पार्टी में जो शायद पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन उनका कोई जो परिणाम है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, जो कि बाकी पार्टियों में गए हैं वहां भी उनका हाल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है, अभय चौटाला ने कहा। और पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनको रीढ़ की हड्डी बताया गया है अभय चौटाला की ओर से। सरकार के बारे में और फिर आपकी भी इच्छा होगी कि हम इसके लिए जोर लगा करके इसको जिता करके भेज। अब आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और भी कहीं जाएंगे। तो लगातार पार्टी से नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। इसी बीच अभय चौटाला असंत पहुंचे, कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया गया, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की बात कही गई। कुछ लोग और भी पार्टी में शामिल हैं जो कि पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं, यह भी स्वीकार किया है अभय चौटाला ने। सरबजीत है हमारे संवाददाता, असंत से फोन लाइन पर है। सरबजीत, क्या कुछ बोले हैं अभय चौटाला? जी बिल्कुल, आज अजय चौटाला जब कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का पूरा प्रयास किया और साथ ही कहा कि जो लोग पार्टी से गद्दारी करके या पार्टी को बुरे वक्त में छोड़कर गए हैं उनका हश्र बुरा होगा, क्योंकि जो लोग बुरे समय के अंदर साथ नहीं देते वो कभी अच्छे समय के अंदर भी धोखा दे सकते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दोबारा से वो अपने इनेलो में शामिल होने की कोशिश करेंगे तो उनको बिल्कुल इनेलो में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आने वाला समय इनेलो का है और इनेलो के अच्छे दिन वापस पहुंचेंगे। जी ज्योति, सरबजीत साथ ही अभय चौटाला की ओर से ये कहा जाना कि कुछ लोग पार्टी को छोड़कर अभी जा सकते हैं आने वाले दिनों में, तो मानकर चला जाए कि अभय को भी इस बात की भनक है कि अभी कुछ लोग और हैं जो कि पार्टी छोड़ सकते हैं। देखिए ज्योति, जब जैसा रेला चला हुआ है इनेलो को छोड़ने का, निश्चित तौर पर कई नेता जो है वो दूसरी पार्टियों के संपर्क में, खास करके जो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा है उसके संपर्क में भी काफी कार्यकर्ता हैं, तो ये अंदेशा तो लगातार बना ही हुआ है कि कुछ और लोग जो है जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आए कुछ और लोग इनेलो को अलविदा कहकर दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करेंगे, तो उससे जो कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित ना हो, उनका मोराल डाउन ना हो, इसलिए उनको पहले ही आगाह किया गया है कि हो सकता है कुछ लोग दोबारा से पार्टी को अलविदा कहकर दूसरे पार्टियों को ज्वाइन करें, तो उससे कार्यकर्ताओं के मोराल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी सरबजीत, तो भले ही अभय चौटाला ये कोशिश करते रहें कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, रणनीति तैयार की जाए विधानसभा चुनाव की, लेकिन जिस तरह से लोकसभा के परिणाम आए उसके बाद पार्टी के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है, तो मानकर चला जाए कि इनेलो के लिए इतनी आसान नहीं विधानसभा की राहें। जी बिल्कुल, इस वक्त इनेलो की बात की जाए तो इस वक्त वो अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आज तक इनेलो को इतनी जो बुरे हालात है वो देखने को नहीं मिले, इसको लेकर जो ओम प्रकाश चौटाला है उन्होंने भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, हर जगह पर जो है नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति भी की गई है, लेकिन उनका जो फायदा है अभी तक जो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, और निश्चित तौर पर माना जा। चलो बहुत शुक्रिया आपको पूरी जानकारी देने के लिए। तो प्रदेश कार्यकारिणी बदली जा चुकी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बदली जा चुकी है। पैरोल पर जब ओम प्रकाश चौटाला यानी कि पार्टी सुप्रीमो बाहर आए थे, उनकी ओर से कहा गया कि बड़े और अच्छे लोगों को, नेताओं को पार्टी से जोड़ेंगे, आने वाले दिनों में पार्टी और संगठन को मजबूत करेंगे। लेकिन अभी नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। खुद अभय चौटाला ने भी स्वीकार किया है कि कुछ नेता और भी पार्टी छोड़कर आने वाले दिनों में संभव है कि चले जाएं।